गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 4 पदार्थ धातु और अधातु भाग 2। मेरा नाम निशि अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि पदार्थ धातु और अधातु से बने होते हैं। धातु और अधातु के भौतिक व रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें। नंबर 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर को ब्रैकेट में लिखना है। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। बच्चों, इन 4 में से जिंक धातु को चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे अ। नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। बच्चों, तुम्हें याद होगा ना कि तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः धातुओं को खींचकर तारों में बदला जा सकता है, तो सह कथन सही है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे स। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न में हम रिक्त स्थान भरेंगे। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर डैश गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है बच्चों? हाइड्रोजन। ब, फॉस्फोरस बहुत डैश अधातु है। बच्चों, तुम जानते हो ना, फॉस्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है क्योंकि यह तुरंत ही आग पकड़ लेता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सक्रिय। ठीक है बच्चों। नंबर 3, यदि कथन सही है
तो टी, और यदि गलत है तो कोष्ठक में एफ लिखिए। बच्चों, यदि दिया गया कथन सही है तो हम ब्रैकेट में टी लिखेंगे, और यदि गलत है तो एफ लिखेंगे। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये बात सही है। सोडियम तुरंत क्रिया करता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टी। वह कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है? नहीं, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। सामान्यतः धातु अम्लों से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ। लघुत्तरात्मक प्रश्न। बच्चों, अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? उत्तर, सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत क्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया तो आग पकड़ लेती हैं। जल तथा वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नंबर दो, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है? बच्चों, तुम आजकल देखते हो ना, खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम की पन्नी संक्षारक रोधी होती है, इसमें रखे पदार्थ खराब नहीं होते। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम धातु को पीटकर पतली पन्नी बनाई जाती है, क्योंकि यह संक्षारक रोधी है। इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है। नंबर तीन, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है तथा धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाती हैं।
लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कॉलम ए के पदार्थों को कॉलम बी से सही मिलान कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। गोल्ड या सोना, इसका उपयोग क्या होता है? आभूषण बनाने में इसको मिला देंगे। आयरन या लोहा, इसका उपयोग मशीन बनाने में होता है, मशीनों में होता है। ठीक है बच्चों। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का उपयोग क्या होता है? खाद्य सामग्री लपेटना। कार्बन, कार्बन ईंधन के रूप में काम आता है। कॉपर, कॉपर से बिजली के तार बनाए जाते हैं। मरकरी या पारा, इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। नंबर 5, संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। क्या होता है जब? बच्चों, इस प्रश्न में हमें रासायनिक क्रियाओं के समीकरण लिखने हैं और बताना है कि क्या नए उत्पाद बनते हैं। अ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। उत्तर, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जब कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है बच्चों। ब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। उत्तर, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण करता है। समीकरण, आयरन यानी Fe किससे क्रिया कर रहा है? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। क्या बनेगा बच्चों? आयरन सल्फेट FeSO4 और कॉपर। आयरन यहां पर कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से
विस्थापित कर देता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपने यहाँ पर पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, गृह कार्य नंबर एक, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। नंबर दो, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो बच्चों, यहाँ पर अपना अध्याय पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना और याद करना। धन्यवाद।